हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड या ईडी सेकेंड के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर थर्ड नट्स एंड बोल्ट्स यानी ढिबरियाँ तथा काबुले, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे उसे आज हम कवर करेंगे। हाँ, अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो उस आज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नट तथा बोल्ट किस बंधक के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन बी, अस्थाई बंधक। ठीक है, तो अस्थाई बंधक इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो हमारा टेम्परेरी फास्टनिंग होता है, टेम्परेरी फास्टनिंग यानी अस्थाई बंधक, तो ये हमारा नट और बोल्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर टू, मशीन की नींव के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, फाउंडेशन बोल्ट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी रहेगा। ठीक है, आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किन दो नटों का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, वर्गाकार नट यानी स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट यानी षडभुजाकार नट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी एंड बोथ। ठीक है, तो ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, भारी मशीनों को उठाने के लिए किस लिफ्टिंग बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी आई बोल्ट, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, हेक्सागोनल नट को किसके द्वारा कसा या खोला जा सकता है? तो स्पेनर्स द्वारा। ठीक है, तो स्पेनर्स जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, बोल्ट प्रायः बनाए जाते हैं, तो बोल्ट किस मेटल्स के बनाए जाते हैं? तो माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील इज़ द राइट ऑप्शन, यानी इसे एमएस रॉड या एमएस स्टील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार नट को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो बेलनाकार हमारा नट होता है उसे कैपस्टन नट भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैग तथा लेविस बोल्ट किस बोल्ट के अंतर्गत आते हैं? तो यह हमारा फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन, वाशर का बाहरी किनारा यदि चैम्फर्ड है तो चैम्फर कोण कितना होता है या होगा? तो हमारा ऑप्शन ए 30 डिग्री। अब हमने आप लोगों को चैम्फर और चैम्फरिंग बताया था अगले वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। ठीक है, वेल्डिंग तथा रिवेटिंग किस बंधक के अंतर्गत आते हैं? तो जो वेल्डिंग और रिवेटिंग है हमारा वो स्थाई बंधक के अंतर्गत आते हैं, यानी परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, तो हमारा परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत वेल्डिंग आता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन वेल्डिंग से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दो धातुओं को पिघलाकर वापस बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा नट बोल्ट के सिरों को ख़राब होने से रोकता है? तो ऑप्शन कैप्स, देखिए कैप्स नट भी हो जाएगा हमारा, कैप्स कैप नट और डोम नट, दोनों ही जो होता है वो बोल्ट यानी हमारा किसके काबुले के सिरों को बचाता है यानी नष्ट होने से। ठीक है, तो ख़राब होने से बचाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 12, हेक्सागोनल नट का चैम्फर कोण कितना होता है? तो जो हेक्सागोनल नट का चैम्फर कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो हेक्सागोनल नट जैसा कि बता चुके हैं 6 फेसेस होती हैं इसमें। ठीक है, 6 फेसेस होती हैं यानी 6 फलके होती हैं, और स्क्वायर नट में 4 फलके होती हैं। ठीक है, यानी 4 फेसेस होती हैं। स्क्वायर नट इस टाइप का बनता है, और जो ये हेक्सागोनल नट होता है ये एक बेंजीन टाइप का बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड क्वेश्चन नंबर
13 वाशर का व्यास कितना होता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा 0.12D हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, जहाँ पर डी हमारा क्या है, डी हम बता चुके हैं वीडियो में अगले। तो नॉमिनल डायमीटर होता है, क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, विंग नट को और किस नाम से जाना जाता है? तो विंग नट को फ्लाई नट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्गाकार नट के अनुविक्षेप यानी प्लान, ठीक है, जिसको टॉप भी बोलते हैं, के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए, इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो 1.5D प्लस 3mm होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा नट अंगूठे तथा अंगुलियों द्वारा ही घुमाकर कसा या खोला जा सकता है? तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो देखिए, कौन सा नट हमारा हो जाएगा, तो विंग नट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 17, बोल्ट के चूड़ीदार बेलनाकार भाग को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन सैंक हो जाएगा, ठीक है, सैंक। तो देखिए कैसे होगा ये सैंक, तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा बोल्ट है एक प्रकार का, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक प्रकार का बोल्ट है, ये टेल होता है, ये हेड होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई बोल्ट है, और जो ये पार्ट्स होता है, ये यही हमारा सैंक कहलाता है, ठीक है, यही हमारा सैंक कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल्ट के आंकलित व्यास यानी नॉमिनल डायमीटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बड़ा व्यास यानी मेजर डायमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 19, वर्गाकार नट का जो चैम्पर, देखिए यहाँ का लिख लीजिए, ठीक है, वर्गाकार नट का चैम्फर रेडियस कितना होता है? तो जो हमारा वर्गाकार नट होता है उसका चैम्फर रेडियस 2D होता है, ठीक है, यानी जहाँ हमारा डी क्या है, नॉमिनल डायमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 20, एक हेक्सागोनल नट की ऊंचाई प्रायः किसके, देखिए पर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रायः किसके बराबर प्रयोग की जाती है? तो हमारा जो बोल्ट का डायमीटर होता है उसके बराबर ही हमारा हेक्सागोनल नट की ऊंचाई होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 21, डोम नट को और किस नाम से जाना जाता है? तो डोम नट को कफ नट के भी नाम से जाना जाता है, इसे कफ नट भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड क्वेश्चन नंबर 22, नट की चपटी सतहों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी जो हमारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइड अक्रॉस फ्लैट पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा? तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी 1.5D प्लस 3mm, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड क्वेश्चन नंबर 23, यदि बोल्ट का व्यास डी है तब चूड़ी जड़ पर व्यास कितना होगा? तो जो चूड़ी जड़ पर व्यास होगा हमारा वो क्या होगा, 0.8D, यानी डी नॉमिनल डायमीटर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी एग्जाम की दृष्टि से, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 24, एक हेक्सागोनल नट में आमने सामने के कोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हमारा आंसर ए, ठीक है, द 2D है, इसका भी क्या हो जाएगा, 2D। जो हेक्सागोनल नट होता है उसमें आमने सामने कोनों के बीच की दूरी कई रहा है, ठीक है, जो हमारा चैम्फरिंग जो एंगल होता है, उस जो कोना होता है, ठीक है, उसका उस उन दोनों के जो आमने सामने होता है, ठीक है, अगल बगल, तो उनके बीच की दूरी ही 2D होती है, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड क्वेश्चन नंबर 25, मजबूत नटों के चपटी सतहों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो जो हमारा मजबूत नट होता है उनके बीच चपटी जो सतहें होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी हमारा, देखिए। तो ऑप्शन ए 1.5D+3mm, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्गाकार नट के प्रत्येक भुजा की लंबाई किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5D+3mm इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर नट होता है उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी वन साइड की बात करें, ठीक है, तो एक भुजा की भी अगर बात करें तो उसकी लंबाई इसी सूत्र से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड क्वेश्चन नंबर 27, एक बोल्ट का व्यास डी है, तब इसके लिए वासर व्यास कितना होगा, यानी वासर का व्यास कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर ए 2D+3mm, ठीक है। तो आंसर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ए हमारा सही हो जाएगा, 2D+3mm। डी जहाँ बता चुके हैं नॉमिनल डायमीटर है, ठीक है, तो इसमें आप आंसर ये मत लगा दीजिएगा, ठीक है, ये वन पॉइंट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर देखिए इसे 28 कर लीजिए, ठीक है, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक वर्गाकार नट में आमने सामने के कोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हमारा कितनी हो जाएगी, तो देखिए √2W, और ऑप्शन बी 1.D+3 ब्रैकेट के बाहर √2, ठीक है, तो हमारा mm में होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, mm में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ, यानी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर होता है, तो क्या होता है निम्न में से बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर? तो ऑप्शन सी डी, ठीक है, डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं नॉमिनल डायमीटर को, यही हमारा नॉमिनल डायमीटर कहलाता है, देखिए यही हमारा क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, नट पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो नट पर जो चूड़ियाँ कटी होती हैं वो किस प्रकार की कटी होती हैं? तो इंटरनल थ्रेड्स कटी होती हैं, हमने आप लोगों को बताया था अगले वीडियो में, अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है, इंटरनल या आंतरिक या अंदरूनी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, बोल्ट पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो जो हमारा बोल्ट होता है काबुला, उस पर चूड़ियाँ किस प्रकार की कटी होती हैं? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।